Hey my loves, what's up? Welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing great. So, आज मैं शेयर करने वाली हूँ this look right here जो कि है सरस्वती पूजा look number 2. And guess what? I created this whole look using makeup products under 300 rupees. Yes, it's gonna be super affordable and yet super gorgeous. So if you want to know how I created this beautiful look, then please keep on watching. And products मैं जो भी use करूँगी उसका link भी आपको description box में मिल जाएगा. The shade name and all details सब आपको मिल जाएगा. So don't forget to check my description box. And if you are new to my channel, then just take a moment and hit the red subscribe button right here. And also press the bell icon ताकि आप मेरे कोई videos miss ना करो. And one thing guys, just ignore my ब्लाउज़ वाला थिंग बिकॉज लास्ट वीडियो पे आई गॉट अ कमेंट ऑन माय ब्लाउज दैट वी डोंट वेयर दिस काइंड ऑफ ब्लाउजेस यू नो सरस्वती पूजा में. आई गेट दैट यू डोंट हैव टू वेयर दिस, इट्स योर कॉल. आप जो पहनना चाहते हो यू नो आपके लुक के साथ आप वो पहन सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो वही पहनो. इट जस्ट दैट आई डोंट हैव एनी वन, लाइक आई ऑलवेज वेयर क्रॉप टॉप्स विद साड़ी. सो या आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड या जस्ट गेट स्टार्टेड. So first I'm going to moisturize my face, and for that I'm using Lakme Peach Milk Ultra Light Gel. Well, it's very hydrating, it's perfect for combination to oily skin type, and I'm just massaging it into my skin. उसके बाद आई एम गोइंग टू यूज़ अ प्राइमर. इट्स इन साइड 3-in-1 प्राइमर एंड ये बहुत ही अफोर्डेबल में बहुत ही अच्छा वाला प्राइमर है. ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है तो इट्स गोना फिल योर पोर्स वेरी नाइसली. For the foundation today, I'm using Biotic Natural Makeup Foundation. मैं shade name mention कर दूँगी नीचे description box में. पहले तो मैं इसे एक brush के हेल्प से पूरी face पे evenly spread कर लूँगी, and then using a damp beauty blender मैं इसे पूरी face पे and neck पे अच्छी तरह से blend कर लूँगी. It has a very sheer coverage, so it's been बहुत ही एकदम skin like finish देता है, and it's very lightweight as well. For the concealer today, I'm using Maybelline Fit Me Concealer in the shade 25. And मैं जहाँ जहाँ कंसील करती हूँ वहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी. आज जहाँ मुझे थोड़ा बहुत डार्क स्पॉट्स है वहाँ पे मैं इसे अप्लाई करूँगी, एंड मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी. ये अफोर्डेबल साइड में बहुत ही अच्छा वाला कंसीलर, इसका प्राइस आएगी 375 ऐसा कुछ है, बट ये हमेशा आपको सेल पर मिल जाएगा. एंड ये यू नो बहुत ही अच्छा वाला लाइट वेट वाला कंसीलर है. And you can see ये किचन अच्छे से ब्लेंड हो रहा है स्किन पे, एंड इसका कवरेज इज प्रीटी नाइस. पहले जो है मैं अपना आईलिड पे सेम कंसीलर अप्लाई करके रखूँगी थोड़ी देर, तब तक मैं अपना कंसीलर को सेट कर लूँगी मेरे फेस का. एंड आई एम यूजिंग हेयर मेबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट इन शेड 310, एंड ये कॉम्पैक्ट भी आई गेस 375 ऐसा कुछ प्राइस है. वैसे ऑफर में हमको मुझे आई मीन 300 के नीचे मिल गया था, सो इट्स अफोर्डेबल. बस आपको ऑफर के टाइम पे से लेना होगा. एंड नेक्स्ट मैं अपना आईलिड के ऊपर का कंसीलर को ब्लेंड करूँगी, एंड उसे भी मैं सेम कॉम्पैक्ट से सेट कर लूँगी. Then I'm going to fill my brows. I'm using here Blue Heaven Artisto brow pencil. It's my current brow pencil. It's affordable and it's super good. It's my इसमें मेरा shade है dark brown. And मैं अपने eyebrows को बस fill करती हूँ, जो भी gaps है मैं overdraw नहीं करती हूँ. So for the eye makeup and face makeup, I'm using here Swiss Beauty Ultimate Shadow Palette. So I'm taking this light brown shade from this palette and मैं इसे अपना nose contour करूँगी. मैं आज face contour skip करूँगी because it's a very daytime wearable वाला makeup. But always contour your nose, इससे और ज़्यादा यू नो definition मिलता है face को. Now I'm taking this peachy shades from this palette. इसको एक साथ लेके मैं tap करके excess को अपना blush apply करूँगी. And you can see मैं इस palette को कितनी तरह से use कर रही हूँ पूरी face के लिए. आप चाहो तो इस palette को use करके अपने brow को भी fill कर सकते हो. मैं पहले वही करती थी, एंड आई लव टू यूज दिस पैलेट इन डिफरेंट वेज. सो नेक्स्ट मैं इस पैलेट में से लाइट पीची शेड को लेके मैं पूरी आईलिड पे से अप्लाई करूंगी, क्रीज तक लेके जाऊंगी, एंड ब्लेंड करूंगी विथ माई फिंगर ओनली. मैं आज कोई भी आई ब्रशेस का यूज़ नहीं किया है बिकॉज मैंने यू नो बहुत ही सिंपल रखा है ताकि बहुत ही ईजिली क्रिएट हो जाए ये लुक, एंड ताकि सब कोई कर पाए. देन द नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग स्टेप इज मैं क्यू टिप के हेल्प से ये डार्क ब्राउन शेड को लेके अपने पूरी आईलिड पे से अप्लाई करूँगी. तो मैं स्टार्ट करूँगी पहले तो मेरे लैश लाइन के क्लोज से, उसके बाद मैं धीरे धीरे करके इसे ब्लेंड करूँगी लाइक इनवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन पे, एंड मैं थोड़ा थोड़ा करके इसे ऊपर तक यानी कि क्रीज तक लेके जाऊँगी. एंड इट्स लाइक लाइट ब्राउन स्मोकी आई कह सकते हो आप इसे. एंड ये लुक जो है ना, ये पर्टिकुलर लुक इज़ यूनिवर्सल. आप किसी भी साड़ी के साथ, किसी भी कलर के साड़ी के साथ इसे पहन सकते हो.
बहुत ही खूबसूरत लगेगा। नेक्स्ट में सेम क्यू टिप में ये जो पीच वाला शेड जो मैंने क्रीज पे अप्लाई किया था पहले, आई मीन पूरी आई पे अप्लाई किया था, वो सेम शेड को लेके मैंने अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करूँगी थोड़ा सा, ताकि यू नो बैलेंस आउट लगे लुक जो है। एंड अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना, आप चाहो तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, आई शेडो ब्रश, बट ब्लेंडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई अ थिन लाइनर, एंड उसके लिए आई एम यूजिंग हियर स्विस ब्यूटी लिक्विड लाइनर, एंड मैं इसे इस थिन लाइनर ड्रॉ करूँगी। आप अपने हिसाब से थिन या फिर थिक लाइनर ड्रॉ कर सकते हो। सो फॉर द मस्कारा आई एम यूजिंग हियर वन ऑफ माय फेवरेट मस्कारास, इट्स मेबेलिन हाइपर कर्ल मस्कारा, एंड उससे पहले मैंने आईज को कर्ल कर लूँगी एंड देन मैं इसे कपल ऑफ टाइम्स अप्लाई करूँगी। एंड यू कैन सी मैं इसे एग्जैक्ट मोशन पे कैसे अप्लाई कर रही हूँ, इससे ना ज़्यादा वॉल्यूम मिलता है एंड हर एक लैशेज जो है इजिली कोट हो जाता है एंड बहुत ही ओपन अप वाला लुक मिलता है। सो जस्ट लव दिस मस्कारा ओवरऑल, इट्स वेरी नाइस। Next, I'm going to set my face using Swiss Beauty Makeup Fixer, and it, you know guys, it's super affordable and it's super good. Next, I'm going to highlight my face, and for that I'm using here Swiss Beauty Shimmer Brick, and main beauty blender ke help se apply karungi, and you can see the glow, it's so awesome, it's so natural. Like agar aap aise apply karte ho na with a sponge, aapka highlighter bahut hi natural wala glow lagega, aap lagega ki aap within wala glow kar rahe ho. So ye wala morning ke time pe bahut hi खूबसूरत लगता है फेस पे, एंड मैं अपने फिंगर के हेल्प से मेरी इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट कर लूँगी। सो फॉर द लिपस्टिक टुडे आई एम यूजिंग मेबेलिन क्रीमी मैट लिपस्टिक इन दी शेड न्यूड नुआंस, एंड ये जो है ब्राउनिश न्यूड है एंड परफेक्ट है फॉर टुडेज लुक। So yeah, that was it guys, that was my tutorial, and I hope you guys enjoyed this, and agar aap is look ko recreate karte ho, so don't forget to tag me on my Instagram ya fir mere Facebook pe, jiska link aapko description box mein mil jayega, and yeah, I hope you guys enjoyed this look, enjoyed this tutorial, this easy peasy simple sa lekin fir bhi gorgeous tutorial, and I'll see you guys in my next video. Till then, bye, take care, and I love you all.